जनता के बीच ये जानने आए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो जनता इस पूरे मामले को कैसे देखती है। डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो कई आकलन निकल के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कई ऐसे बड़े अधिकारी थे, बड़े जज थे जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिए गए, तो इनका आकलन ये भी है कि हो सकता है इनके साथ भी वही हो। नहीं, चंद्रचूड़ जी उस मामले में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि देश की जनता के सामने वो बात को बोले, अगर उन्होंने बुलाया है तो भी बोले, और अगर वो खुद चला गया है मोदी तो भी बताएं देश की जनता को, क्योंकि अगर ऐसा वो अगर ये गुप्त रखते हैं इस बात को तो संदेह ज़रूर उनके लिए पैदा होगा कि कहीं ना कहीं वो सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, वो चंद्रचूड़ जी, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में फिर उन पर कई सवालिया निशान उठेंगे, उन पर जनता का विश्वास नहीं रहेगा, तो ऐसे में कैसे देश चल पाएगा, ये बहुत बड़ी कह रहे हैं कि अब 8 तारीख के बाद जो डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले आएंगे, चीफ जस्टिस के फैसले आएंगे, उसके ऊपर भी नजर रहेगी जनता की। बिल्कुल रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और जो ये बार बार क्या करते हैं कि डेट बड़ी बड़ी देर की लेते हैं, तो ये चंद्रचूड़ जी को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। देश हित में आप इतने, ऐसा नहीं है कि हर फैसले को अच्छा अगली डेट दे दी, अच्छा ये लाइए, अच्छा वो लाइए, अब आप पे संदेह के घेरे में आ जाएंगे, अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो शक आपके लिए खड़ा हो गया है वो शक दूर हो सकता है तभी जब आप करें, और अगर इससे पहले वो सार्वजनिक रूप से आके कह दें कि हमने तो बुलाया नहीं, और कितना बड़ा अधर्म है आपको मालूम है, गणेश जी की पूजा मेरा घर, और ये मिश्रा कर लेगा पूजा, क्यों कर लेगा भाई ये मिश्रा, मैं मर गया हूँ क्या, मेरे घर में आके मेरे भगवान की पूजा ये क्यों करेगा, तो मोदी क्यों करेगा। चंद्र कह रहे हैं वो बिन बुलाए मेहमान हो सकते, बिन बुलाए मेहमान की तो बात ही छोड़िए, ये तो ईश्वर का अपमान हुआ है। हमारे घर की गृहिणी, हमारे घर का मर्द, वो पूजा में सम्मिलित होता तब पूजा विफल होती है, सफल होती है, ये तो विफल पूजा है, ये तो विफल हो गई है पूजा, ये तो अधर्म किया है। खुद चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ ने उसको धक्के देके मोदी को बाहर कर देना चाहिए घर से कि तुम पूजा में नहीं शरीक हो सकते हो, तुम हमें खरीदना चाहते हो, हमें मारना चाहते हो, मारो, मगर हम पूजा में तुम्हें शरीक नहीं होने देंगे। ये कारता दर्शाती है डीवाई चंद्रचूड़ की, जिसने अपने घर में भगवान गणेश का अपमान किया है। हमारे घर की पूजा कोई दूसरा आके करेगा ये अधर्म है, अधर्म है, बस मैं यही कह रहा हूँ। कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस के घर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर पूजा पे बुलाए होते चंद्रचूड़ जी, अगर ये प्रधानमंत्री जी आते तो कोई बात थी, अगर किसी पार्क में दोनों लोग पूजा करने गए होते, किसी पार्क में जो है बप्पा मोरिया का जो है वो लगा होता, जो है पंडाल में पूजा स्थल बना होता, वहाँ दोनों लोग अचानक पहुँचे होते तो अलग की बात थी, लेकिन कोई अपने घर में जो है पूजा कर रहा है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री चले गए, तो ये भी बड़ा संशय की बात है, नहीं जाना चाहिए। और पूजा करना था तो दिल्ली में तमाम जगह पूजा स्थल बने थे, क्यों वहाँ नहीं गए देश के प्रधानमंत्री जी, केवल CGI चंद्रचूड़ जी के यहाँ ही क्यों गए, ये प्रश्न उठता, जनता सोचती है। अब वही हाल हुआ, लोग कहते हैं ना कि देश में सब अमीर गरीब बराबर हैं, कहाँ बराबर रह गए, कि आप जो देश का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस हो और देश का सबसे बड़ा जो व्यक्ति हो प्रधानमंत्री, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, किसी गरीब के घर क्यों नहीं गए पूजा करने, दिल्ली में तमाम लोग पूजा स्थल अपने घरों में बनाए रहे होंगे, वहाँ क्यों नहीं गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो ये बात आती है कि जब आप कहते हैं कि सभी बराबर हैं तो किसी के घर क्यों नहीं गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन चंद्रचूड़ जी की अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए जनता में, और जो भी है साफ निर्णय, यानी गंगा जल की तरह स्वच्छ निर्णय देना चाहिए, और बेहिचक बेझिझक जो भी आए जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहिए। तो डर है क्या कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए, अब निर्णय सही नहीं आएंगे, ऐसा डर है क्या आप लोगों के अंदर? देखिए, जनता में कुछ संशय है, जनता में कुछ संशय पैदा हुआ है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस
निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय, जो भी मुकदमे हैं, जो भी उनका कार्यकाल बचा है, जल्दी जल्दी से निपटारा कर देते हैं और सिद्धांत के अनुसार करते हैं, तो जनता उनकी पूजा करेगी, वो सदियों सदियों याद किए जाएंगे। और अगर कहीं इफबट इधर उधर हुआ तो जनता में उनका विश्वास कम होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना? भाई मैं तो उस तरीके से देखता हूँ जैसे रामायण के पात्र भगवान राम शिव जी की स्थापना करने के लिए रामेश्वरम पर गए, और रावण ये जानते हुए कि राम हम पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी मृत्यु के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, और उसके लिए पुरोहित के रूप में रावण महाराज रावण को आहूत किया, उन्होंने जा करके अपनी मृत्यु के लिए भगवान राम के लिए पूजा कराया। तो उसी प्रकार से अतिथि देवो भवः है, जिस प्रकार से सीता ने रावण को अपने धर्म का पालन करने के लिए भिक्षा देने के लिए बाहर आई, उसी प्रकार से हमको लगता है कि अगर मोदी जी गए हैं चंद्रचूड जी के यहाँ, तो चंद्रचूड जी उस रावण की तरह अपने कर्तव्य को यानी सीजीआई के पद की गरिमा को नहीं गिरने देंगे, सीता की तरह अपने कर्मों को नहीं खराब होने देंगे। किसी के आने और जाने से कुछ नहीं होता, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कोई मेहमान बिन बुलाया आता है तो निश्चित तौर पर वो भगवान के स्वरूप में होता है, और भगवान समझ के हमें पूजा करनी चाहिए, हमारा धर्म पुराण करता है। और हमको लगता है इसी प्रकार से देश के लोगों का विश्वास बना रहेगा, और चंद्रचूड जी भी निश्चित तौर पर उस रावण और माँ सीता की तरह अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, जनता का विश्वास बरकरार रहेगा। देखिए सीजीआई पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, 145 करोड़ को, उनके घर में ट्रोल होता रहा, उनकी बेटी को धमकाते रहे, पर वो एक शेर है, सीजीआई शेर है, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इनकी चड्डी उतारी थी इलेक्ट्रल बॉन्ड में, वही उतारी थी चड्डी जिसके वजह से इनका सीट कम हुआ है। आज इनको पता चला कि ये इतने भ्रष्टाचारी हैं, वो सीजीआई के निर्णय के वजह से हुआ। आज हम लोग को पूरा भरोसा है सीजीआई पे कि आने वाले वक्त में भी निर्णय सीजीआई का लोहा की तरह पहाड़ की तरह स्ट्रांग रहेगा। जय हिंद जय भारत। ठीक है, देखिए लखनऊ की जनता के बीच हम आए थे ये जानने कि चीफ जस्टिस के घर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लखनऊ की जनता इसको कैसे देखती है।